दुनिया भर में कोरोना बेकाबू हो गया। मरने वालों की तादाद 3,16,673 हो चुकी है। अमेरिका में मजीद 856 हलाकतें हो चुकी हैं। मरने वालों की कुल तादाद 91,000 तक पहुंच गई है। वायरस काबू में ना आ सका, दुनिया भर में जिंदगियां निकलने का सिलसिला जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,16,500 से ज्यादा हो गई। 47,98,935 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर, जबकि 18,55,089 सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका में मजीद 865 अफराद तुकमय अजल बन गए। तादाद 91,000 के करीब पहुँच चुकी है। सबसे ज्यादा 191 हलाकतें रियासत न्यूयॉर्क में हुई। गवर्नर एंड्रयू ने टीवी पर बराए रास्त अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसका मकसद लोगों को टेस्ट कराने की तरकीब देना है। इससे पहले गवर्नर का कहना था कि डॉक्टर्स को मुआयना कराना उन्हें पसंद नहीं। बरतानिया में मजीद 170 अफराद हलाक हो गए, तादाद 34,636 हो गई। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए साइंसदानों को 84 मिलियन पाउंड के फंड फराहम करेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन का आलमी लाइसेंस भी हासिल कर लिया। वैक्सीन बनने पर इसे सबसे पहले बरतानिया हासिल करेगा। वैक्सीन की 10 करोड़ तैयार की जाने वाली दवाई में से बरतानिया को 3 करोड़ वैक्सीन मिलेंगी। इटली में 145 अफराद मजीद हलाक होने के बाद तादाद 31,908 हो गई। फ्रांस में हलाकतों की तादाद 28,108 हो गई। स्पेन में मजीद 87 अमवात हुई, कुल तादाद 27,650 हो गई। ब्राजील में मजीद 458 हलाकतों के बाद तादाद 16,091 तक पहुंच गई है। तुर्की में कुल तादाद 4,140 हो गई। ईरान में 6,988, सऊदी अरब में 312, जबकि भारत में तादाद 3,025 हो चुकी है।